आज हम बनाने जा रहे हैं नान खताई। नान खताई के लिए हमें जो अज्जा चाहिए यानी कि इंग्रेडिएंट्स, उसमें सबसे पहले चाहिए होगी आइसिंग शुगर 1 कप, घी 1 कप, मैदा चाहिए होगा 1 कप, बेसन 1/4 कप, बेकिंग पाउडर 2 टेबलस्पून, सूजी 2 टेबलस्पून, इलायची पाउडर 1 टीस्पून, अंडे की जर्दी चाहिए होगी, इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक जगह जमा कर लेंगे। मैदे में डाला बेसन, इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर और ये हमने डाली सूजी। सिवाय आइसिंग शुगर के हमें सब चीजें इसके अंदर डालनी है और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम मिक्स करेंगे आइसिंग शुगर, इसके साथ ऐड करेंगे घी। आइसिंग शुगर 1 कप है और घी भी 1 कप है। अब हम इसे बीट करते हैं। हमें बस करना है जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, हमारा फ्लफी सा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। पहले थोड़ा सा डालेंगे, जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरह गूंदेंगे। इसके अंदर हमने इलायची पाउडर डाला है, मैदा डाला है, बेसन डाला है, सूजी डाली है। इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल ये ऐसा आएगा जैसे हमने आटा गूंदा हुआ है। ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि ये बहुत पतला हो गया है, फैलने लगा है, तो आप इसके अंदर मजीद मैदा यानी कि फ्लोर मिक्स कर सकते हैं। इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर भी डाला था जिसकी वजह से हमारी नान खटाई जो है वो घुल जाएगी। अभी भी ये आटे जैसी फॉर्म में नहीं आया है जैसे हम आटा गूंद के करते हैं। अवतीन बनाती हैं तो डेफिनेटली उन्हें पता है कि आटा किस तरह गूंदता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं और उसको कितना हार्ड होना है। सॉफ्ट सा हमें बिल्कुल अच्छी इसकी लुक मिल गई है। इसको इतना गूंदना है हमने कि ये मिक्स हो जाए, एक साथ चिपक जाए। ये देखिए, हमने एक जगह इसको मिक्स कर दिया है और बहुत स्टिफ से इसकी फॉर्म आ गई है, बहुत ज़बरदस्त, एक ही हाथ में उड़ सकता है। ये देखिए, अब हम इसे छोटे बाउल में ट्रांसफ़र करके इसको कैप करेंगे और उसके बाद 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। हमने आपको बताया था केक बनाने के लिए या केक रस बनाने के लिए आपको अवन की ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी किसी भी पतीली के साथ अवन बना सकते हैं। उसके लिए आपने एक बड़ी पतीली ले ली है, उसको हाई फ्लेम पे 10-15 मिनट प्रीहीट करना है। कोई नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेत डालने की ज़रूरत नहीं है। पतीली लें, उसके अंदर स्टैंड रखें, उसको गर्म होने रख दें और उसको प्री हीट होने के लिए 10-15 मिनट्स रख दें ऑन हाई फ्लेम। करना है अपने पैन को ग्रीस करना है, थोड़ा सा ऑयल लें, घी ले लें, मक्खन ले लें और इसको ग्रीस कर लें आराम से और अंडा फेंट लें। अंडा नहीं है, बेसिकली ये है एग योक। फेंट लेते हैं इसको हमें लगा। ये देखिए 15 मिनट्स हो चुके हैं, हमने डो को रख दिया था रेफ्रिजरेटर में।
15 मिनट के बाद हमने स्टोव को निकाला और इसके हमने बॉल्स बना लिए और ग्रीस पैन में लगा दिए। देखिए ग्रीस पैन में आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे और एग योक लगाएंगे। चलिए हम इस पे एग योक लगाते हैं। देखिए हमने सब पे एग योक लगा ली है और इसके ऊपर गार्निश भी कर दिया है। गार्निश आप इसके साथ कर सकते हैं, पिस्ता भी लगा सकते हैं, इस पे आप बादाम भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमने ग्रीस पैन जो लिया था उसके अंदर अपने नान खताई की हमने डो रखी थी बॉल्स बनाकर, उसको हमने रख दिया है अपने होम मेड ओवन में और अब हम इसे कवर कर देंगे और तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स रहेंगे और हम इसको मीडियम लो फ्लेम पर सेट कर देते हैं। 15 टू 20 मिनट्स में हमारी नान खताई तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितनी जबरदस्त मजेदार नान खताई तैयार हो चुकी है। खस्ता भी है, करारी भी है और इसका जायका भी है लाजवाब। बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं, दिन में भी, शाम में भी, सुबह में भी, दूध के साथ लें या फिर चाय के साथ लें और नान खताई एंजॉय करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दुआओं में याद रखें। हैप्पी ससुराली किचन।